हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। तो यार, आप थंबनेल देख के पता चल चुका होगा आपको कि हम क्या लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों यार, मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, एकदम बेहतरीन अपने को बाइक लेने जाना है। तो आप देख के ही पता मुझे बोलो कि मेरी बाइक कैसे लगी, आपको कौन सी बाइक पसंद है। तो यार मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको, उतना बोलने नहीं आ रहा है। लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे मम्मा ने दिया मुझे। तो यार मैं मतलब बहुत खुश हूँ। आप मुझे बताना यार, आपको कौन सी बाइक पसंद है, और कमेंट भी करना यार मुझे कौन सी बाइक लेना चाहिए था। और जो मेरी ड्रीम है वो मैं लेने जा रहा हूँ आज, फाइनल मतलब आज लेना ही है। तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए प्लीज़, और मेरा वीडियो पूरा पूरा देखना यार प्लीज़, मेरे को देखना, मुझे सपोर्ट करना। तो आप लास्ट तक देखना, बस मैं बताऊँगा आपको मैं कौन सी बाइक लेने जा रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों अभी देखो, हम आ चुके हैं अभी हाईवे पे। तो अभी मैं निकल चुका हूँ अपनी बाइक की तरफ। मैं अभी बाइक मतलब हम जा रहे हैं, मैं मेरी मम्मी। तो एक सेकंड में, तो यार बाइक की खुशी में मैं मेरा एयरफोन देखा ही नहीं, और जो मेरा माइक का जो एयरफोन था यार वो प्रॉब्लम दे रहा था मेरे को। तो वो खुशी में मैं चलता गया, एकदम बाइक की जो खुशी थी मेरे में इतना ज़्यादा थी कि यार मैं मतलब मेरा जो वॉइस ओवर है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था अच्छी तरीके से। तो मैं बाद में रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं मतलब वो जो खुशी थी मेरी बाइक लेने की तो एकदम बेहतरीन। मैं एकदम ऐसा जूम जाम निकल गया यार। तो यार तुम ऐसे ही देखो और मैं ऐसे ही बात करूँगा यार। अभी तो मेरा मतलब माइक प्रॉब्लम दे रहा था, नेक्स्ट टाइम में मैं माइक अच्छा ही लूँगा। मैं वैसे भी अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था यार, मेरा माइक अभी तक नहीं आया। तो अभी तो मैं बस एयरफोन से ही माइक का, तो यार अभी उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं बाद में मतलब ऐसे वॉइस ओवर करा आपके लिए। तो बढ़िया तरीके से हम जाने की खुशी में मैं एकदम अच्छा तरीके से जा रहा था। तो यार अभी वहाँ पे जाने के बाद ही मैं बात करूँगा, तुम यहाँ तक ही देखो। तो दोस्तों यार, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे। तो अभी हम यहाँ पे KTM, तो दोस्तों यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी हमारे लोकेशन पे। तो यार शोरूम के पास तो ब्लॉगर था, इसे कैसे बनेंगे ब्लॉगर। हाँ तो ये रहा अपना शोरूम। तो दोस्तों हम शोरूम में आ चुके हैं अभी। तो ये 200cc है अभी बाइक, KTM 200 ड्यूक। आपने को ये वाली पसंद है अपनी चॉइस 250, अपन ये मेरे को पसंद है। और मेरे को यार यहाँ पे आने के बाद दो बाइक पसंद आ चुके हैं, ये वाली तो मेरी ड्रीम है और ये वाली भी पसंद आ रही है। लेकिन मम्मा बोल, तो यार बाइक कौन सी लूँ अभी ये दोनों में से यार। लेकिन थोड़ा सा पीछे की सीट जो है ना बहुत ऊपर है, मेरे को लुक में मतलब ये वाली एकदम बहुत अच्छी दिखी। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि लूँ कौन सी यार बाइक, मेरे को ये एकदम बढ़िया दिख रही है यार, उसका जो लुक बेहतरीन है यार, मेरे को ये बहुत पसंद आई, यही बाइक लेना है। लेकिन ये देख सकते हो यार, मेरे को ये बढ़िया दिखे यार, कुछ
यूनिक, लेकिन मम्मा को भी अच्छी दिख रही है यार। मैं तुम यार कंफ्यूज हूँ यार, बाइक लूँ तो लूँ कौन सी, आर सी लूँ या ड्यूक 250 लूँ? ड्यूक 250 लूँ या आर सी लूँ यार कौन सी लूँ, मुझे बताना यार कमेंट करके यार। मैं यहाँ पे आने के बाद बहुत कंफ्यूज हूँ, तो ये आप ही के इस पर छोड़ूंगा यार। तुम जो बोलेगे वो गाड़ी लेंगे हम, जो ज़्यादा कमेंट करेंगे। तो भाई अभी तो मेरा मतलब मूड थोड़ा सा हॉल डबल हो रहा है, तो यार ये दो बाइक में से मुझे कौन सी बाइक अच्छी लगती है मुझे ये बताना। मैं तुम्हें वीडियो निकालूंगा मेरा, एक सेकंड, मुझे बाइक कौन सी सूट करती है मुझे बताना यार। भाई ये तो यार बढ़िया दिख रही है भाई। तो दोस्तों यार ये देख सकते हो ये दो बाइक हैं यार, मुझे कमेंट में सच में बताना यार। मेरे को यार कोई सजेशन देने वाला है ही नहीं, तो यार थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार। भाई रहता मैं कर सकता था यार, मेरा भाई नहीं है, कोई नहीं है, और दोस्त लोग हैं लेकिन उतना ये भी नहीं है यार। तो आप लोग ही हो मेरे सभी कुछ भाई हो आप लोग हो, तो यार मुझे कमेंट में कर देना यार प्लीज़। मुझे मैं अभी थोड़ा सा बहुत बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो ये दो बाइक में से मेरे को मतलब इतना परेशानी आ रही है ना अभी, मैं मतलब चॉइस नहीं कर सक रहा हूँ। तो यार आप भाई समझ के आप मुझे कमेंट में बताना कि बाइक कौन सी लूँ यार, 250 लूँ या RC 200 लूँ, प्लीज़ मुझे उतना ही बताओ। आपको रिक्वेस्ट है यार, आप भाई से कि आप भाई हो लो तो लोग मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो यार ये बढ़िया दिखी 250, लेकिन अभी थोड़ा सा चॉइस के मामले में मतलब मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, तो बताना यार प्लीज़। तो दोस्तों हम अभी निकल चुके हैं वहाँ से, थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैं आपको घर पे जाने के बाद बात करूँगा। अभी वेट करना है आप, तो यार मैं घर पे जाने के बाद आपको बात करेंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं अभी, बाय बाय। सो फाइनली अभी अभी हम मैं घर पे आ चुका हूँ, और मैं तो बाइक लेने के लिए गया था, तो लेकिन मुझे बाइक पसंद आई थी मगर मेरी अम्मी को दूसरी बाइक पसंद आई थी, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ वहाँ पे। फिर मैं अभी ये बाइक लूँ या वो बाइक लूँ, कौन सी बाइक लूँ, उसमें थोड़ा कंफ्यूज रहने से बाइक ले नहीं पाया। मैं तो बाइक देखा, मेरे को 250 अच्छी दिखी ड्यूक, और मम्मी को जो बाइक दिखी RC 200 बाइक मम्मी को अच्छी दिखी, तो उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज थे हम दोनों भी, मम्मी और मैं। तो यार अभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए तो मैं आपके दिल पे लूँगा। तो आप लोग यार प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मुझे कमेंट में बताओ कि मैं RC 200 लूँ या ड्यूक 250 ये लूँ। तो यार प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप लोग बोलो कि मैं बाइक कौन सी लूँ, दोनों में से मुझे चॉइस नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा मम्मी की तरफ से थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सी बाइक लेना या क्या करूँ। आप लोग बोलो यार, जो आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं वही बाइक लूँगा। और गाइस मुझे बस थोड़ा सा सपोर्ट करो, मेरा मोनेटाइज होने के लिए चैनल बाकी है, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कौन सी बाइक लूँ, और बस भाई आप लोगों का ऐसे सपोर्ट करो। और जिस दिन भी आप लोग मतलब मैं लूँगा तो आपके दिल पे लूँगा प्लीज़। मेरे पास तो ऐसा सजेशन देने वाला मेरा कोई अच्छा खासा दोस्त नहीं है, ना भाई नहीं है, मम्मी देखने के लिए गए थे। तो यार अभी आप लोगों के दिल पे छोड़ा हूँ कि मैं बाइक कौन सी लूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। तो प्लीज़ यार आप सपोर्ट के साथ मुझे बोलो, आपको जो बढ़िया दिखती कौन सी बाइक लेना अच्छा दिखेगा प्लीज़ यार मुझे कमेंट में बताना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसे प्यार करो यार। और क्या बोलूँ मैं वहाँ पे, सॉरी 100% तो मैं ड्यूक 250 लेने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे बाइक मम्मी ने RC देखे थे, तो उनको मम्मी को भी मतलब वहाँ पे जो गाड़ी जो बता रहे थे उन्होंने भी बोला कि RC बेटर है और थोड़ा कम बजट में। RC का रेट तकरीबन 261 की है, और ड्यूक 250 2,86,000। तो
डिफरेंस है दोनों में थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो मम्मी को वो आरसी का लुक जो है वो बेटर लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ मम्मी के साथ में भी मैं भी, तो पता नहीं चल पाता यार गाइस, इसलिए मैं देखा फिर सजेशन आपसे ही लूँगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता नहीं, बट मैं आपके सजेशन से लूँगा। तो मम्मी भी बोले कि यार तेरे जो फैमिली है अपनी यूट्यूब वाली मेरी ज़्यादा नहीं है गाइस, छोटी सी है, बट आपके दिल पे छोड़ा हूँ कि आप मुझे बताना, मैं भाई बोल दूँगा दोनों में से, बस जो कमेंट करके बोली आर सी 200 लेना है या ड्यूक 250 लेना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो देखने के बाद मुझे बताओ यार प्लीज़।